राजरतन, डिटर्जेंट और केक। कपिला देश का नंबर वन पशु आहार। बिहार में हूँ, चुनावी रथ पे हूँ। चुनावी रथ पे सफर करने वाले तेजस्वी यादव हमारे साथ हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक तस्वीर आई जिसमें बिहार में ड्राइविंग सीट पे तेजस्वी यादव दिखे। आपको ध्यान आ रहा होगा मैं बात कर रहा हूं, जब राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीर दिखी तो ऐसा लगा कि इंडिया ब्लॉक को बिहार में तेजस्वी यादव ड्राइव कर रहे हैं। वही तेजस्वी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तेजस्वी जी, जब 22 में सरकार आपकी बनी और जब आखिरी मुलाकात हमारी हुई थी, तब आपने कहा था कि बिहार से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। तब आपके चाचा आपके साथ थे और अब जब बात कर रहा हूं तो चाचा आपके साथ नहीं है। तो जो आप कह रहे थे कि बिहार में साफ हो जाएगी बीजेपी, अभी भी वही कहेंगे? देखिए, 2020 में भी आप देखिएगा जो परिणाम आए थे तो क्या था डिफरेंस, 12,000 वोटों का ही मात्र डिफरेंस था। उस समय भी भाजपा कुशवाहा जी, मांझी जी, नीतीश कुमार जी सब एक साथ चुनाव लड़े थे, फिर भी मात्र 12,000 का डिफरेंस। और आपके ये 114-15 सीटें अगर हमारे पास है तो केवल 6-7 सीटों का ही अंतर था। और इस बार जब 17 महीने काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने वो करके दिखाया जो कहा था, तो लोगों का विश्वास जो है वो मिल रहा है। तभी विश्वास यात्रा में आप देखिएगा, जन विश्वास यात्रा में लोग बड़े अप्रत्यक्ष रूप से जो है लोगों का जो है समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए, भाजपा के तो कुछ लोग अभी कुछ दिन पहले ही बोलते थे कि नीतीश जी जिसके नाव पे सवार होंगे उसका नैया जो है डूबेगा। तो अब क्या वो लोग कायम है कि नहीं है इस बात को लेकर के? हालांकि अब जिस प्रकार का प्रकरण चला है बिहार के राजनीति में, हम लोग तो इसीलिए आए थे ना साथ में, जो ऑपरेशन लोटस जो चल रहा था उस समय पूरे राज्यों में जहां भी विपक्षी दलों की सरकारें थी उसको गिराया जा रहा था। और यही बात नीतीश कुमार जी कह रहे थे क्योंकि पहले यहां मुकेश साहनी जी की पार्टी को तोड़ा गया, अब नजर बीजेपी की उनकी पार्टी पर थी कि उनके दल को जो है तोड़ा जा रहा है। और आइए मिलकर के 2024 में हम लोग भाजपा को रोकते हैं और एक देशभर में एक अलायंस जो है, जो कि इंडिया अलायंस बनाए, हम लोग तो इसी काम में लगे हुए थे। अब कोई हमारा साथी अगर छोड़कर के चला गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम घर बैठ जाए। तो जिस प्रण के साथ हम लोग मैदान में हैं, आज दुगुना ताकत हम लोग लगाएंगे और मेहनत करेंगे, जनता के बीच जा रहे, जनता का विश्वास जीत रहे, तो निर्णय तो जनता को करना है। तो कोई कल्पना भी नहीं किया था कि 2020 में कि इस तरह का माहौल जो है बिहार में बनेगा और बीजेपी को एनडीए को इसमें बहुत नुकसान हुआ। हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि हमने तो सरकार बना लिया था 20 में, सफाया तो उसी टाइम हो गया था, लेकिन सीसीटीवी में चंडीगढ़ में जो पकड़ा गया वो यहाँ नहीं पकड़ा गया, वो यहाँ नहीं पकड़ा गया। हालांकि कई हारे हुए जो कैंडिडेट जिनको जबरन हराया गया था वो लोग कोर्ट गए हुए हैं, विथ एविडेंस भी गए हुए हैं, जिसमें कि हिंसा के शक्ति यादव है उनको शाम तक जिता दिया गया था, 12 वोट से बाद में हरा दिया गया। कोर्ट की प्रक्रिया तो लंबी, कोर्ट की प्रक्रिया तो लंबी होती है तेजस्वी जी, तब तक आप दूसरे चुनाव में चले जाएंगे, यही तो रणनीति थी उनकी। चलिए, लेकिन ये क्यों चले गए नीतीश कुमार और क्या डिफरेंसेस आ गए, इस पे तो बाद में बात करेंगे। पहले जरा जिस विषय पे बात कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ा लें। भाई, एक तरफ एक रथ नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं उनका चल रहा है, जिसमें राम मंदिर बनने के बाद एक वो बड़ा इशू है, उसमें हाइपर नेशनलिज्म भी है, उसमें लाभार्थी जाति भी है। तो तेजस्वी यादव ने, इंडिया ब्लॉक ने कोई उसकी काट बनाई है या वही काट है आपकी जो आपने कहा? हम लोग बिहार गए, कई जगह हम लोग बिहार में दौरा कर रहे हैं, कितने जिले हम लोग हो लिए, ना किसी को केंद्र द्वारा जो है नौकरियां मिल रही है,
ना 15-15 लाख रुपए आए हैं, ना किसानों का आय दुगुना हुआ है। अभी मोतिहारी गए थे तो वहाँ प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो चीनी मिल है यहाँ चीनी मिल को चालू करवाएंगे और उसी चीनी का चाय वो पिएंगे, वो भी 10 का 10 ऐसे पड़ा हुआ है। ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला है, तो काम तो जो उन्होंने कहा था वो तो हुआ ही नहीं। हाँ, उनका अपना प्रोपेगेंडा है, एक अपना मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग जो है वो लंबे समय तक चलता नहीं है, जो प्रोपेगेंडा है वो लंबे समय तक चलता नहीं है। अब 10 साल लोगों ने दे दिया उनको मौका, और 10 साल में उन्होंने कोई काम तो किया नहीं। बताओ मेक इन इंडिया में क्या हो रहा है, हर चीज में इंडिया शब्द को उन्होंने जोड़ा था, कई स्कीमों में स्किल इंडिया, क्या हो रहा है उन सारी योजनाओं में क्या हो रहा है, तो कोई काम उस हिसाब से उन्होंने किया नहीं। तो कह रहे 25 करोड़ लोगों को, गरीबों को निकाल दिया गरीबी रेखा से, तो कहने वाली बात है। आप जब तक आप सर्वे नहीं कराओगे कहाँ से उनका डाटा है। हम लोग जो बिहार में कराएं जाति आधारित गणना, उसमें सामाजिक जो जातियों की गिनती तो हुई, लेकिन उसमें आप देखिएगा कि आर्थिक रूप से भी हम लोगों ने देखा कि कौन कौन लोग हैं, तो वी हैव अ साइंटिफिक डेटा। उसमें 96 लाख लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके लिए हम लोग योजना बना रहे थे, तो हमारे पास अगर हम लोगों ने कराया सर्वे तब तो पता चला ना। कहने के लिए तो प्रधानमंत्री जी क्या से क्या नहीं कह देते हैं। नहीं, सरकारी आंकड़े हैं, वो कहते हैं कि कितने करोड़ लोगों को हमने शौचालय दिया, हमने ईंधन दिया, गैस दिया, हमने 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया। सारा तो यूपीए का स्कीम है, उसी का नाम बदल बदल करके इन्होंने किया और स्टेट पर और भार डाल दिया गया। अब राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना ही समझ लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय स्कीम दे दिया, वही चीज है। लेकिन फर्क क्या हुआ कि जो राज्य का शेयर कम लगता था 10% 15%, अब राज्य को भी 50-50 देना पड़ रहा है, 50% देना पड़ रहा है। तो जो बिहार जो राज्य है, जो गरीब राज्य है, उसको तो आपको स्पेशल मदद देना चाहिए। इसीलिए ना हम लोग चाह रहे थे कि स्पेशल राज्य का दर्जा मिल जाता तो हमारा जो 50% शेयर लगता है वो कम देना पड़ता। तो चाचा उधर गए हैं, आपको लगता है कि कुछ मिलेगा? अब देखिए, अब उधर गए हैं, अब क्या बात हुई है, अब हम तो उनको शुभकामनाएं देते हैं कि भाई जहाँ रहे खुश रहे, और बीजेपी वालों को भी बोलेंगे जरा अच्छे से रखें उनको। नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा तेजस्वी जी की इस बार रणनीति क्या है। लालू जी ने कहा कि दरवाजा तो खुला ही हुआ है, आप बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट चाचा बनाए हैं उनको कि बिल्कुल चाचा को शुभकामना देते, ये कौन सी स्ट्रेटजी है? बुजुर्ग है तो बुजुर्ग को तो सम्मान दीजिएगा ही ना, और हम लोग तो समाजवादी परिवार के लोग हैं, हमारे पिता के साथ वो काम कर रखे हैं। नहीं, पहले तलखी थी, आजकल पता नहीं लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई आप लोग? अब ऐसा कोई बात नहीं है, बुजुर्ग होने के नाते हम उनका सम्मान करते हैं। एक सवाल ये उठता है कि बीजेपी बड़ी स्ट्रांग पार्टी बताती है और बताती नहीं, उसका काडर स्ट्रांग है भी, उसकी जो रीच है बहुत ज्यादा हो गई है, और आपके हाँ अमीर पार्टी भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, अब आपको सब कुछ सामने लाना पड़ेगा, 12 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा कि आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड किसने किसने दिया है। तो ये बड़ा शुभ संकेत है, ये होना भी चाहिए, और मैं इस बात का हामी हूँ, इस बात का को मानने वाला हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, तभी चुनाव सही होता है। लेकिन आपके साथ जो पार्टी है, जो आपकी न्यूक्लियस है, जो 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 एक केंद्र में जो पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। आपको लगता है कि कांग्रेस का मजबूत न होना वो आप लोगों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक वो है? देखिए, जब 2004 का चुनाव चल रहा था तब भी ऐसे ही माहौल था, इंडिया शाइनिंग इंडिया शाइनिंग, किसी को नहीं लग रहा था कि भाई जो है कांग्रेस जो है या विपक्षी दल जो है मजबूती के साथ सामने आएंगे। लेकिन जब परिणाम आने लगे तो उल्टा ही नजर रहा था। फिर यूपीए 1 बना और अच्छी जीत जो है वो मिली थी उस समय। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है हाल के दिनों में, हम लोग यही उन लोगों से भी बात करते हैं, राय देते हैं कि जहां रीजनल्स पार्टी है वहां ड्राइविंग सीट पे रीजनल्स पार्टी को ही दिया जाए, और कांग्रेस पार्टी जहां
डायरेक्ट फाइट में है बीजेपी से, जो 200 से भी ज्यादा सीटों में है, वहां कॉन्सेंट्रेट करे, उस रणनीति के तहत अगर काम करती है तो हमको लगता है कि भारी जीत जो है हम लोगों को मिलेगी। और बीजेपी ज्यादातर वहीं नहीं है जहां रीजनल्स पार्टी है स्ट्रांग, आप चाहे बंगाल देख लीजिए, आप साउथ में देख लीजिए, आप चाहे बिहार में, तो हम लोग थे ही रीजनल्स पार्टी में, लेकिन अब तो साथी इधर से उधर चले गए, लेकिन बीजेपी अपने बदौलत कभी बिहार में, ये बिहार की खूबी है कि बिहार की जनता ने कभी भी बीजेपी को जो है फुल मेजोरिटी या ऐसा मौका नहीं दिया, बीजेपी को हमेशा किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ा। ये उत्तर भारत में इकलौता ऐसा राज्य है बिहार जहां बीजेपी इतने सालों से परिश्रम कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बीजेपी कंफ्यूज है तो बिहार में कंफ्यूज है। आप देखिए, पांच पांच उप मुख्यमंत्री बना दिए इन लोगों ने इन पांच सालों में। पहले सुशील मोदी जी होते थे, इसके बाद तारकिशोर जी होते थे, आपके रेणु कुमारी होती थी, अब दो और आ गए, सम्राट चौधरी आ गए, विजय सिन्हा आ गए। तो यहाँ कौन लीडर होगा बड़े कंफ्यूज है, क्या नीति रहेगी, क्या कैलकुलेशन रहेगा। अमित शाह जी बोलते हैं दरवाजा बंद है, फिर दरवाजा खुल जाता है, बिहार दौरा करते थे। तो ये बीजेपी जो है बिहार में सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है और अभी भी उसका कोई फ्यूचर अकेला नहीं दिखता है, तभी तो मजबूरन दरवाजा बंद होने के बाद भी इनको लेना पड़ा जिन्होंने बीजेपी की मोदी जी का थाली खींचा था और क्या क्या नहीं कहा था मोदी जी ने, अभी कितना नीचे गिरो कितना गिरो। एक संदेश जो आपकी बातचीत से जा रहा है वो शायद कांग्रेस के लिए है कि आप कंसंट्रेट वहां करिए जहां आप वन टू वन फाइट में बीजेपी से है, जहां आपका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं है। बात है विनेबिलिटी फैक्टर, जो जहां मजबूत है उसको लेना चाहिए, यही होना चाहिए। हाँ, सम्मान में अगर दो चार सीटों में अगर वैसी कोई बात आती तो उससे कोई किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कम से कम लड़ाई लड़नी है भाजपा से तो अपने सहयोगों को साथ लेके चलिए, और जहां सहयोगी ही मजबूत है तो वहां तकरार की बात नहीं आनी चाहिए कि हम इतने सीट पे हम इतने सीट पे। पहला अगर आप कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो हम लोग तो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है और हमने किया भी। नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया एक बार नहीं, दो दो बार, इसीलिए क्योंकि हम भाजपा को रोके, क्योंकि भाजपा संविधान पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है, तो उसीलिए हम लोग सब लोग जो है इस बात को समझना चाहिए। और नीतीश जी का चला जाना कांग्रेस की मिसहैंडलिंग का नतीजा है? नहीं, उनका तो शुरू से चलता रहा है, वो इसी राजनीति में रहते, उनका तो कभी मन ही नहीं लगता है, ऐसी बातें करते हैं। हम मुख्यमंत्री होके बोल रहे कि मन नहीं लगता। हाँ, सुना मैंने, आपने असेंबली में कहा कि हम लोग मन लगाने के लिए थोड़ी थी। वो गवर्नर हाउस से जब बाहर निकले इस्तीफा दे के, तब उन्होंने ये बात को की। उनका क्या सोच है क्या है, उनकी राजनीति होने को मुबारक, लेकिन इस बात को हम लोग तो भाई भोले भाले लोग हैं, सच्चे दिल से किसी के साथ जुड़ते हैं तो रहते हैं, तो हम लोग तो इसीलिए थे कि भाई उनकी पार्टी बच जाए। और बिहार में हम लोग बिहार से एक संदेश दें, और वो हम लोगों ने दिया भी, और हम लोगों ने देश भर में अलायंस भी बनाया उस बात को लेकर। तो अभी वो कहते थे मीडिया पे कब्जा है, अब उन पे कब्जा हो गया, तो आप कह सकते हैं हमारे चाचा को हाईजैक कर लिया गया। अब क्या कारण है, क्या अंदर की बात है, ये तो वही बताएंगे, लेकिन इस बात की तो कोई गारंटी नहीं ले सकता कि वो पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। मोदी जी के गारंटी वाले लोग भी नहीं ले सकते। तो इस बार फिर आपको लगता है कि पलट सकते हैं वो? पलटे ना पलटे, लेकिन जनता जरूर इस बार मन बना चुकी है। हमको लगता है कि जनता दल यूनाइटेड जो है 2024 में ही समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ये बड़ा स्टेटमेंट है। सच्चाई है, आप देखते रहिए, अभी लोकसभा के चुनाव खत्म होने दीजिए और अभी देखते रहिए। बताइए, एक महीना होना गया उतले हुए, एक्सपेंशन क्यों नहीं हो रहा है?
कैबिनेट का स्पेशल क्यों नहीं किया था? क्या कोई बात आ गई? क्या वो भंग कराना चाहते हैं, साथ में चुनाव कराना चाहते हैं? बीजेपी तैयार नहीं है तो इस वजह से वो एक्सपेंशन नहीं कर रहे, क्या बात है? अच्छा, जब ये सरकार गई, जब क्योंकि अब बिहार पे ज्यादा बात कर रहे हैं, ये सरकार गई तो आपको लगा कि इस बार तो नहीं जानी चाहिए थी, ऐसा फील हुआ कि इस बार नहीं जानी चाहिए थी, इस बार बिल्कुल मैं हमारी पार्टी बिल्कुल मन से उनके साथ ही, जैसा वो कह रहे थे हाँ वैसा हम कर रहे थे? हमने तो ये भी कहा था आप बाहर से समर्थन करते हैं, आप चलाइए फ्री होकर जैसे आपको चलाना है। हमारा तो लक्ष्य साफ था ना, 24 में हमको बीजेपी को रोकना, तो हम तो उस एजेंडे के हिसाब से काम कर रहे हैं। नीतीश जी अगर इस गठबंधन में होते, लोगों का साफ था कि मुद्दे की बात होगी, काम की बात होगी, तो हमने जो कमिटमेंट किया था 10 लाख का, उसमें से हम लोग नौकरी देंगे। हमने वादा किया था जाति आधारित गणना कराने का, आरक्षण बढ़ाने का, वो हम लोगों ने किया। स्वयं सहायक मानदेय को बढ़ाने की बात की, नियोजित शिक्षकों का इतना साल से चल रहा था, क्यों 17 महीने में ही उनको राजकीय कर्मी का दर्जा मिला? तो जातिगत जनगणना वाले में तो कहते हैं कि भाई ये हमारा ब्रेन चाहिए था, अब ये तो ठीक नहीं है, ये से भी तेजस्वी लेने लगे। अब आप इसमें हम लोग क्या कहें, जब पार्लियामेंट में जब ये बात उठी थी, सवाल उठा था, तो भारत सरकार ने मना कर दिया कि जाति जनगणना नहीं कर रहे। नित्यानंद जी ने भी जवाब दिया था उस समय तो मुख्यमंत्री उन्हीं के साथ थे, वही करा ले, क्यों नहीं कराया? नहीं, कहते हैं बिहार में, लेकिन हमने कराया। ये काम पहले नहीं कर सकते थे 17 साल में, कौन रोके? अगर उनका पुराना मुद्दा था, मधुलिमे जी वगैरह की बात कर रहे थे उस समय, कहते हैं ज्ञानी जैल सिंह ने उनको ये आइडिया दिया, उनके आना चाह रहे थे जैल सिंह, लेकिन नीतीश जी की कृपा थी कि वो चले गए उनके, यही बात कहे थे ना कि हमको बोल रहे थे कि हम आएंगे मिलने, तो नीतीश जी ने कहा नहीं आप क्यों आइएगा, आप इतने बड़े हैं, हम ही आ जाते हैं। तो आप 17 साल जब मुख्यमंत्री रहे, तो आपने इस काम को क्यों नहीं अंजाम दिया? सवाल तो पूछेंगे ना। आपने तेजस्वी इसका नाम दिया है जन विश्वास यात्रा, तो ये इससे ऊर्जा मिलती है कुछ? ये टॉनिक है, मालिक है, मालिक जनता जो है मालिक है, ये तो हर नेता का फेवरेट ये है कि जनता मालिक है। नीतीश जी को भी बहुत बार कहते सुनता हूँ जनता मालिक है, वो जनता जनमत को तो पांव की जूती भी नहीं समझते। चाचा आपके जो जनमत है, अच्छा काहे फिर पलटी मारते रहते? अगर जनमत होता, मानते, सम्मान देते, तीसरे नंबर की पार्टी है ना, कायदे से तो उनको मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, तो क्यों मान लिया था? और हम तो माने बीजेपी को रोकने के, और कोई अगर आके माफी मांगता है, माफी मांगा उन्होंने? क्यों नहीं मांगा? आपने वीडियो भी देखा होगा, नहीं है तो हम लोग दिखा देंगे, और एक बार नहीं विधानसभा में भी मांगा, कई बार उन्होंने जिक्र किया, मीडिया के सामने जिक्र किया उन्होंने, जब हमारे साथ आए थे गवर्नर हाउस से रिजाइन दे करके, और हम लोग जो प्रस्ताव दे करके आए थे गवर्नर को, मीडिया के सामने भी उन्होंने बात की, इससे कोई झुठला थोड़ी ना सकते, ये बात वो भी जानते हैं। 18 साल वो सीएम रहे हैं तेजस्वी जी, और जिसमें 2 बार आप डिप्टी सीएम रहे, आप वो भी ऊब चुके हैं, जनता भी ऊब चुकी है, अच्छा वो भी ऊब चुके हैं, जनता भी ऊब चुकी है, उनके पार्टी के लोग भी ऊब चुके हैं, उनके सहयोगी भी ऊब चुके हैं, और अधिकारी भी ऊब चुके हैं। ये जो अब आप इतने दिन सत्ता में रहे थे, आपको लगा कोई इकबाल नहीं रह गया? आप बताइए, केवल स्कूल के टाइमिंग को लेकर के एक अधिकारी एक मुख्यमंत्री की बात नहीं मानेगा, और ये बात कहां से है? उस समय हम लोग सरकार में थे, ठंड का मौसम था, शीतकालीन माहौल था पूरा, शीतलहर चल रहा था, तो हम लोग जो है कैबिनेट में इस बात को सभी मंत्रियों ने उठाया कि बच्चों का टाइमिंग जो है ऐसे होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी बोले ठीक है,
होना चाहिए, लेकिन अगर कोई अधिकारी उस समय से अब तक बात नहीं मान रहा है मुख्यमंत्री जी की, शायद ही इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री जो अधिकारी स्कूल की टाइमिंग को लेकर बात नहीं मान रहा। बड़े बड़े निर्णय तो छोड़ो, आप समझ सकते हैं कि किस कैसे हम लोगों ने जो है काम किया, कैसे ये नौकरियां दी, कैसे हम लोगों ने आईटी पॉलिसी लाया, कैसे हम लोगों ने तो सेम सेम तो वही थे, उनको तो क्रेडिट तो मिलना चाहिए। हम तो देते ही ना थे, मुख्यमंत्री होने के था, मुख्यमंत्री की हेड होता है गवर्नमेंट का, हम तो देते ही थे, लेकिन आपको मेहनत इस हिसाब से करना पड़ा जिसकी जरूरत नहीं थी सत्ता में, आपने फोर्स कर दिया कि आपको देना पड़े, ये कह रहे हैं ही पड़ा। और बहुत चीजें जो हैं रिकॉल कराना पड़ा, समझाना पड़ा, तब जाकर के नहीं, आपको कई बार कहते सुना मैंने कि अगर देना ही था तो 17 साल में दे देते, इन 17 सालों में तो नहीं दे पाए। सीधे फाइल लेके अधिकारी को भेज दिया गया था ना ओथ लेने के बाद कि नौकरी नहीं दी जा सकती, पैसा कहाँ है, आप कहाँ से आ गया पैसा। इन 18 सालों में जब से वो मुख्यमंत्री रहे हैं, अब चूंकि आप 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे उनके साथ, तो मैं अगर रेट करने के लिए कहूं पिछले कुछ सालों को छोड़ दें जिसमें आप कह रहे हैं कि वो थक गए हैं, तो आपको लगता है कि आपके चाचा ने कुछ अच्छा काम भी किया है कि सब खराब काम ही किया उन्होंने। देखिए कोई भी रहता है तो अच्छा काम भी करता है, एक समय होता है, बेसिकली एक समय होता है, ठीक है, अच्छा समय उन्होंने अच्छा काम किया जिसकी सराहना करनी चाहिए लोगों को, उसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। लेकिन जो आज की परिस्थिति है तो उनसे बिहार नहीं चलाया जा रहा है, वो नहीं चला सकते, ये हकीकत है। तो आपको फुट डाउन करना चाहिए था तेजस्वी जी, आप जब वो छोड़ के चले गए तब आप कह रहे हैं कि उनसे नहीं चल रहा है, तो जिनसे नहीं चल रहा था उनको कहते कि चाचा आप रिटायर हो जाइए, अब भतीजा आगे जाएगा। तो 17 महीने में काम हुआ ना, अच्छा। अगर आप साथ में नहीं रहते तो क्या ये 5 लाख लोगों को नौकरी मिलता, क्या जाति आधारित गणना होती, क्या आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई जाती, क्या मानदेय बढ़ाया जाता, क्या नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा मिलता, कम से कम ये तो करा लिए। तो नीतीश जी को ये बात चुभ रही, जब भी आप बोलते हैं कि ये मैंने करवा दिया, उनको लगता है कि किया मैंने, श्रेय आप लेते हैं। अभी बीजेपी है साथ में तो वो लेगा कि नहीं लेगा, मुख्यमंत्री है तो बीजेपी ने अपनाया तभी ना मुख्यमंत्री बने भाई। और इसमें मांझी जी ने क्या गलत बोला कि आज जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं इस बार ट्रस्ट वोट के बाद, तो मांझी जी की बदौलत कृपा से बने, अगर मांझी जी का 4 वोट हटा लीजिए तो कहाँ बचेगी सरकार, 125 है ना, 122 सही होता। मांझी जी ने ठीक ही कहा कि उन्होंने उपकार कर दिया, उनको मुख्यमंत्री बनाया था तो इन्होंने भी चुका दिया, कर चुका दिया उन्होंने, सही बात है। मतलब आप कुल मिला के ये कह रहे हैं, जो मुझे लगता है जो जो, जो ध्वनि आती है कि नीतीश कुमार तो चलिए ठीक आदमी है, संगति खराब है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहते थे कि आदमी अच्छे हैं, पार्टी पार्टी खराब है, ये है मामला, जिस संगति में चले जाते हैं वो संगति खराब है। इसमें क्या राय दिया जा सकता है, मुख्यमंत्री जी को हम लोग तो यही चाहते हैं कि भाई वो स्वस्थ रहे, सुखी रहे, लेकिन आप देखिए रोज इतना हमला करेगा भतीजा तो आदमी स्वस्थ कैसे रहेगा, मानसिक तौर पर नहीं रहेगा, तो सम्मान कर रहे हैं, क्या हमला हमने किया है, अगर आप सही बात नहीं रखिएगा तो दिक्कत है ना। जो हमने के कई वाली बात बोली तो मांझी जी सत्ता में रह के बोल रहे कि नहीं बोल रहे, उन्होंने तो बोला के कई कौन, हम तो बोलते के कई के साथ मंत्रा भी है, ये बात तो उन्हीं के भलाई के लिए ना है भाई। कि किसके बारे में आप कहते, थोड़ा थोड़ा खुलासा करिए, लोगों को बताइए कौन के कई है, कौन मंत्रा है, समझना थोड़ा मुश्किल है। मुख्यमंत्री जी अपना बताएंगे समय पर, फिर कुछ जानकारी तो आपको है, पिछले बार तो बता ही थे मुख्यमंत्री जी, इनके इनके कहने पे हम भाजपा पे चले गए, भाजपा के साथ रहता। तो मुख्यमंत्री जो अगली बार बताएंगे वो आप बता दीजिए, पहले ही बता चुके
आप पुराना रिकॉर्डिंग निकालिएगा, वो खुद ही बता दिए। नहीं वो चार नाम तुमको याद है, हमको भाजपा में यही लोग लेकर के चला गया, मिसलीड किया। तो खुद ही कह रहे हैं। अब दो चार अधिकारी हैं, उनका क्या नाम है? अच्छा, अधिकारियों के इन्फ्लुएंस में गए कुछ लोग हैं, लेकिन उसमें हम नाम नहीं लेना चाहते, कोई मतलब नहीं है उसमें। तो वही अधिकारी ये कह रहे हैं क्या कि आप जब मंत्रिमंडल में थे तो भ्रष्टाचार हुआ आपकी डिपार्टमेंट में बहुत? कुछ उनके दल में है, कुछ अधिकारी है, ये बात कहते हैं। नहीं तो क्या वही अधिकारी ये बताते हैं तेजस्वी जी की आप लोग जिस डिपार्टमेंट को संभाल लेते हो उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ, जांच होगी? अब जब जिम्मेदारी मिली, जो पहले से सिस्टम था, एक प्यून भी हमने बदले, अपने स्टाइल का अधिकारी तो छोड़िए, उसी सेटअप में हमने काम किया। जो पहले से एनडीए के टाइम में जो अधिकारी थे उस डिपार्टमेंट में, उन्हीं लोगों के साथ हम काम किए। अच्छा, और जहां तक बात है हमारी, अभी समीक्षा करेंगे कि कुछ गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ, ये है मतलब, गलती का पता नहीं कि क्या गलती हुई, अभी देखेंगे। और ऐसे भी तो हर साल सीएजी करती है ऑडिट, हर साल करता ही है ना सीएजी ऑडिट, तो पता चल जाएगा क्या गलती है, क्या गलती है। ये तो ज्यादा पॉलिटिकल लगता है, ये तो आरोप है, ये पॉलिटिकल आरोप ज्यादा होता तो यही बता के बोलते ना क्या गलती की, इसी पे छोड़ देते। एक्सप्लेन करने के लिए आप बोलते हैं, आपको नहीं एक्सप्लेन नहीं करने बोलते हैं, बोले कि आपने ये गलती की है, पब्लिक डोमेन में आके बोलते। मैं थोड़ा आपके पिच पे आता हूँ, ये ए टू जेड आप बोला करते थे, एक नया एब्रिविएशन आपने निकाला जिसमें आपने पुअर और बाप जो आपने बनाया, तो ये कैसे? बहुजन, आगड़ा, आदि आबादी और पुअर। पुअर, हाँ ठीक है, ये नरेंद्र मोदी से सीख रहे हैं क्या आजकल आप? नरेंद्र मोदी जी से सीख रहे हैं क्या? नहीं नहीं, हम लोग उनसे क्या सीखेंगे, नहीं वो भी बनाते रहते हैं, न्याय बनाया है उन्होंने। अरे बहुत पहले से लोग नहीं बोलता था बीजेपी मतलब भारत जला पार्टी, उसी से फिर सीखे नरेंद्र मोदी जी, तो यहाँ जेडीयू को क्या क्या बोलते थे, जेडीयू का मतलब जनता का उत्पीड़न, जनता का दमन और उत्पीड़न, दमन और उत्पीड़न। आपका था रोजाना जंगल राज का डर, हाँ ये तो बनाने वाला, ये तो कैसे कॉन्फिडेंस, कैसे कॉन्फिडेंस आएगा जो आप ये कहते हैं कि सबको लेके चलेंगे? आपके आप पे एक ठप्पा लगा हुआ है कि यादव और मुसलमानों की पार्टी, आप उससे आगे ले जाना चाहते हैं क्या? कैसे 2020 में केवल 12 जी डिफरेंस था 12,000 का, वो भी बेईमानी के बाद, जहां तक मेरा मानना, तो वोट किसने दिया? तो ये मनोज झा जी बैठे हैं, यही इन्हीं लोगों को, ये झा जी है, मेहता जी है, राम जी है, हमारे दल में अलग अलग रंग है कि नहीं है? ये स्वर्ण जाति से आते, ये पिछड़े जाति से आते, महादलित जाति से आते, तो आपने समाज के मेहता जी हो गए, ये ब्राह्मण हो गए, अब वो रविदास समाज के हो गए। तो मार्केटिंग आपने भी सीख ली है लेकिन? अब मार्केटिंग हम, अरे ये काम तो लालू जी लगातार करते रहे 90 के दौर से, क्या अपर कास्ट मंत्रियां नहीं होते थे उस समय, रघुनाथ झा वगैरह सब लोग थे उस समय, शायद वो अंडरलाइन नहीं कर पाए। पिछड़ों को सबसे पहली बार प्रतिनिधि देने का किसको मौका, कौन बनाया? लालू जी ने तो बनाया था, टिकट देना शुरू किया थी पिछड़ों को, नहीं तो 90 से पहले होता था क्या? जो संख्या में आए, दलित हो, मुसलमान समाज के हो, सभी लोगों को वो काम किए, उसी हिसाब से क्या बोलते थे, पढ़ना लिखना सीखो, गाय चलाने वालों, बकरी चलाने वालों, वो किनके लिए था? तो लालू जी कई सामाजिक न्याय था, हम लोग तो वो काम करते ही रह रहे, तभी तो डर के कारण माई का प्रचार कुछ लोगों ने शुरू कर दिया ताकि हम सीमित हो जाए। उसने हर्ट किया आपको? बात को हम बता रहे कि माई की नहीं, सबकी पार्टी, सभी लोगों को हम लोग मौका। उस माई ने आपको हर्ट किया मानते हैं आप? भाई उसका फर्क पड़ा, लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 में सबका साथ मिला। 24 में जो लड़ाई है तेजस्वी जी, अभी चूंकि आप 24 की लड़ाई सबसे पहले फेस करेंगे, उसमें प्रधानमंत्री ने खास तौर पे जो राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप पहले इंडिया ब्लॉक के सहयोगी राहुल गांधी को मिले,
जिन्होंने राहुल गांधी को साथ दिया, आप बिहार में उनके साथ चले। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अखिलेश यादव अब वहां गठबंधन हो गया है, अनाउंस हो गया है, तो वो साथ चल रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने बहुत कन्वीनियंटली पिक कर लिया है कि एक तरफ परिवारवाद है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार है, तो आप लोगों को परिवारवाद ही और भ्रष्टाचारी दोनों बना दिया है। वो कुछ भी बना सकते हैं, तो वॉशिंग मशीन है, अब तो हम कहते हैं डस्टबिन भी है, जितना पार्टी का कचरा है सब वहीं जाके गिर रहा है। उनके बनाने से बनता है क्या कोई? बिहार की जनता ने सबसे बड़ी पार्टी ऐसे बना दी क्या? इतना चिल्ला चिल्ला के कहते हैं फिर भी बड़ी पार्टी हमको बनाती है जनता, तो जनता बेवकूफ थोड़ी है कि कहने से कोई भ्रष्टाचारी हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा क्या? कहते हैं इतिहास, लोगों आरोप आरोप है, ईडी बुला लेती है आपको। लोगों को अपना इतिहास जानना चाहिए, हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। और जो अभी जो शपथ हुआ इसमें 9 मंत्री जो वोट लिए बिहार सरकार, इसमें 4 जो ऐसे मंत्री बनेंगे जो परिवारवादी है। मैं कर रहा था प्रधानमंत्री की बात कि प्रधानमंत्री ने जिन दलों का गठबंधन हुआ है इंडिया ब्लॉक में, जो लोग हैं और जो प्रोमिनेंट लोग हैं, बिहार में तेजस्वी यादव हैं, वहां अखिलेश यादव हैं, तो उन पे लगातार हमला है। और चूंकि आप लोगों पे आरोप भी है, कभी आपको ईडी समन करती है, कभी सीबीआई समन करती है। 4 मंत्री जिन्होंने वोट दिया वो क्या है? यहाँ जिनको डिप्टी सीएम बनाया है सम्राट चौधरी, वो क्या है? उनके पिता शकुनी चौधरी, और हर जगह जो है हर दल में वो रह चुके हैं। असली तो पहली बार तो मंत्री यही से बने थे, वो आपकी पार्टी में ने बनाया था, उनके पिता भी हमारे पार्टी में भी रहे। आप बोलते हैं अभी कि माई उनकी बीजेपी जो है माँ है, हालांकि सत्ता पार्टी वगैरह से जुड़े थे पहले, लेकिन पहली बार अगर मौका मिला विधायक का या उसका तो आधे भी रह दिया। तो वो अपनी पॉलिटिक्स को आपको लगता है कि उसके उसके लिए ये परिवारवाद का आरोप लगाते हैं? अभी मिलन देवरा गए वो अच्छी बात है, उन्होंने लिया। अजीत पवार को वहां डिप्टी सीएम बना रखा है, वो भ्रष्टाचारी नहीं थे? हाँ, कहा था उन्होंने कि 70,000 करोड़ का घोटाले का। बीजेपी में गए तो जो केस रुक जाता है, फिर इधर आते हैं केस बढ़ जाता है, फिर इधर चले गए केस फिर बंद हो जाता है। तो आप देखिएगा कहीं भी ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सभी लोग ये बताने की जरूरत है। परिवारवाद एक नेगेटिव वर्ड बना दिया गया। अरे भाई, आखिरी एक आध सवाल कर लेते हैं बिहार के संदर्भ में। चलिए, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों को आप खारिज करते हैं, बिहार में चुनाव और कांग्रेस से आपका गठबंधन हो गया है, लेफ्ट से आपका गठबंधन हो गया है, वाइंड अप कर कुछ 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 सीटों के बारे में बता दीजिए। कुछ रिस्पेक्टेबल सीटें मिलने वाली है कांग्रेस को, या फिर आप ये कहेंगे कि उनकी जितनी हैसियत है उतना लड़ना चाहिए? सबको सम्मानजनक जो है सीटें जो है वो मिलेंगी, है ना? तो सब लोग से बात चल ही रही है, अब अंतिम दौर में बातें हैं, निर्धारण जो आ जाए। लेकिन मेरा मानना है कि एनडीए से पहले हम लोग तय कर लेंगे अपनी चीजें। बिहार एनडीए तक तय करेगा नहीं करेगा, लेकिन हम उनसे पहले जरूर ये चीज तय करें। एक आखिरी सवाल चलते चलते, 40 में से 39 जीती थी एनडीए पिछली बार, आपको क्या लगता है इस बार? इस बार चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। चलिए, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं तेजस्वी यादव, देखते हैं चुनाव के समय भी बात होगी और उस समय एक बार फिर रिविजिट करेंगे क्या कहा तेजस्वी यादव ने और चुनाव के रिजल्ट कैसे पैन आउट करते हैं। अभी के लिए इतना ही, होगी किसी और शख्सियत से मुलाकात। नमस्कार। पाजी, जूपी पे गेम जीत गया, अब पैसे कम मिलेंगे। पाजी, विड्रॉ का बटन दबाओ। ओ पाजी, आगे अकाउंट में। थैंक यू। देखा, पैसे आते बंदा गायब। जूपी पर जीत के पैसे तुरंत।